Hey guys, what's up and welcome to episode 41 of Neo 2. So, पिछले एपिसोड में हमने जो है द गोल्डन कैसल, यप यही नाम है, द गोल्डन कैसल करके जो मिशन है ये हमने कंप्लीट किया था। तो इसके लास्ट में एक बॉस फाइट था लेडी ओसाका पे नाम से, लेकिन वो नाम लेडी ओसाका पे क्यों है पता नहीं, लेकिन वो बॉस फाइट में हम लिटरली एक पूरे कैसल से लड़े थे। एक्चुअली कैसल था जिसकी मतलब खुद की लाइफ थी, हमें फिर उसे हराना पड़ा। तो उसे हराने के बाद हम मेनली ये मिशन में इसीलिए गए थे गोल्डन कैसल एरिया में, ताकि हमें काफ़ी सारे अमरीटा की ज़रूरत थी लेजेंडरी ब्लेड सोहाया मारू बनाने के लिए। तो हमें वो अमरीटा मिल गया एंड ये एपिसोड के लास्ट में, पिछले एपिसोड के एंड में हम वो ब्लेड बना लेते हैं फाइनली, ब्लेड यानी कि सॉर्ड, जो सॉर्ड हमें चाहिए ओटाके मारू को हराने के लिए, ये गेम का जो फाइनल मेन बॉस या मेन विलन जो भी बोल लो। तो अभी जो नेक्स्ट मिशन है इसका नाम है चेरी ब्लॉसम व्यूइंग इन डियागो, ये वाला मिशन हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुझे ये पता नहीं कि ये आखिरी मिशन होने वाला है कि नहीं, बट इतना पता है कि हम गेम के काफ़ी एंड में आ गए, क्योंकि हमने वो लेजेंडरी सॉर्ड भी बना लिया एंड तो बस अभी मेरे हिसाब से ज़्यादा मिशंस बचे हुए होने नहीं चाहिए। तो या तो ये होगा या फिर नेक्स्ट मिशन वगैरह हो सकते हैं, लास्ट मिशन हो। ये पहचानने के एक तरीका ये है कि अगर हमें एंड में जो बॉस मिला मिशन के वो अगर उठाके मारू रहा तो ऑब्वियसली लास्ट मिशन रहेगा, नहीं रहा मतलब उसके तो नहीं रहा तो फिर उसके बाद हो सकता है कि एक और मिशन हमें इसके बाद करना पड़े, एक या दो मिशन। लेकिन दैट सेड आई थिंक अंडर 50 में ये पूरा सीरीज रैप अप हो जाना चाहिए। ये एपिसोड नंबर 41 है तो आई थिंक मे बी 46 47 तक मे बी खत्म हो जाएगा ये पूरा नियो 2 जो है। तो अगर आप ये सीरीज के साथ बने रहे हैं अभी तक, ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है क्योंकि बीच में हमने और भी काफ़ी दूसरे गेम्स खेले थे, जो नए नए गेम्स थे उसे मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा होता है। बट या मैं ये गेम को आधे में नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे ये गेम काफ़ी मज़ेदार लगा है एंड मुझे सोल्स लाइक गेम्स वैसे भी काफ़ी पसंद है। सो या दैट्स इट, ये वाला मिशन चालू करते हैं, पढ़ते इसके बारे में कि क्या क्या लिखा हुआ है। Enjoying the position as the ruler of the nation, Tokichiro appears to have gathered numerous ladies from the court in the garden of Diago Temple for what is said to be the greatest of cherry blossom viewing parties. Okay, तो Tokichiro party कर रहा है। I think we probably हम इसके party को crash करने वाले हैं। He can't let an opportunity such as this slip through our fingers. The party is sure to have plenty of music and dancers, and with that commotion, we should be able to slip through it unnoticed. Okay. I will have faith in you, but you need to proceed with all utmost caution. Okay. Well, let's start the mission. Music थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, I mean volume. अच्छा ये इसी सेलिब्रेशन चल रही है इधर, हम एम्बुश करने वाले Tokichiro को, वो बैठा हुआ सामने। ये सॉर्ट डांस है, ये क्या एंट्री है, काफी बढ़िया थी। ओके द परफॉर्मेंस इज अ रियल गुड। ओहो तो ये मॉन्स्टर्स थे इधर। ओके तो जो लेडीज Tokichiro की पार्टी में थे वो लेडीज नहीं थे, स्नेक वुमेन, मुझे पसंद नहीं है वो टाइप के एनिमीज, काफी ज्यादा अनोइंग होते हैं वो, पैरालाइजेस की उल्टी करते हैं हमारे ऊपर एंड फिर हम हिल नहीं पाते। कुछ लूट लूट, ओ ये रहा एक कुड़ावा। इतने सारे नियो के मिशंस खेलने के बाद ना आदत हो गई है, इन्होंने काफी बार ऐसे हुआ है कि मिशन के जो फर्स्ट राइन है उसके पीछे कुछ लूट या कुछ है वो छूट गया था एंड फिर मुझे वापस आके उठाना पड़ा उसे, एक और बार मिशन करना पड़ा एक कुड़ामा या किसी चीज के लिए।
ओके तो हमारे पास हील्स का, मैं हील ले लेता है। पड़ामा बाजार से ओके ये आ गया। एरोस तो है पूरे, ये कम है। हाँ जो जो भी कम है वो भर लेते हैं मिशन से पहले। ये क्या चीज़ है? एन आइटम हार्वेस्ट एंड ट्रेडिशनल टू प्यूरिफाई डिफाइलमेंट। कभी यूज़ ही नहीं किया इस मतलब ये जो गेम्स होते हैं जो सोल्स लाइक आरपीजी गेम्स होते हैं, जैसे सेकीर हो गया, डार्क सोल्स हो गया, नियो टू हो गया, इसमें इतने सारी चीज़ें होती है ना इन्वेंट्री में, ये आधे से आधे चीज़ हम कभी यूज़ करते ही नहीं है। लेकिन अगर हम वो सारी चीज़ें एक्चुअली ध्यान दे के यूज़ करें तो मतलब गेम काफ़ी ज़्यादा मतलब और ईजी हो जाता है, सिंप्लीफाइड हो जाता है। मुझे एक नया एक्स मिला है, ये थोड़ा सा यूज़ करके देखते हैं, लेकिन मेरे बिल्ड के हिसाब से वो पिछला वाला एक्स ही ज़्यादा पावरफुल है, जो लाइटनिंग एक्स था। ये फायर एक्स है। पीछे वाले को मारते हैं। ओह नाइस, मुझे लगा मिस किया मैंने। ओके तो वहां से हम सीधा इधर आए। ये वाला डोर खुलेगा ये? दिस डोर, अच्छा शॉर्टकट होगा फिर वो प्रॉबेबली। सारे कुडामा झाड़ के पीछे है शायद ये वाले लेवल पे। पहला वाला भी ऐसे ही था, सेकंड वाला भी इधर ही छुपा के रखा इन्होंने। मुझे ऐसे लग रहा है ये शायद ये वॉल के उस साइड भी एनिमीज है, फील आ रहा है थोड़ा। अबे यार, एक तो ज्यादा एमो होता नहीं है गेम में, उसमें भी ये लोग मिस करा रहे हैं एमो। नाइस। स्पीयर वाले एनिमीज पसंद नहीं है मुझे, इनका रेंज काफी ज्यादा होता है। एक सेकेंड, हमारा वेट कितना है? ओके 70 के नीचे है ना, मैं वही बोला 70 के ऊपर जाता है तो हम बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ लूट वूट कुछ मिस नहीं किया है? नो। ओके वी कैन गो फॉरवर्ड। उसके साथ और होगा बंदा कोई इधर, ये अकेला है क्या? और ये एलाइट एनिमी है। तो कुछ आई लीव्ड बाय द ग्रेस ऑफ माय लॉर्ड टू डाई हिम, फॉर हिम इज एन ऑनर। ओके तो कुछ ह्यूमन एनिमीज जैसे हट्टे कट्टे और बड़े से आर्मर में होते हैं ना, ये लाइट एनिमीज होते हैं। इनका लाइफ पूल भी ज्यादा होता है एंड डैमेज भी ज्यादा करते हैं ये लोग। बैक स्टेप करते हैं इसको, मरा नहीं है अभी। ओके नाइस, ही इज डेड। मैं अभी अभी बस कल ही मैंने नियर रेप्लिकेंट गेम खत्म किया था, तो उसके बाद जब ये गेम खेल रहा हूँ ना, गेम थोड़ा सा स्लो लग रहा है। ये कौन सा एरिया है? थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि अभी जाऊँ किधर। यहाँ पे नीचे जाने का? ओके इधर एक बंदा है। सुडामा इसको क्या दे? कोई अच्छा सा वेपन हाई लेवल वाला जो भैया।
130 131 130 ये देते हैं, देखते हैं क्या गिराएगा ये। अरे ड्रॉप क्यों नहीं आ रहा? अच्छा मैंने लॉक करके रखा है, ये ड्रॉप करते हुए कुछ वेपन्स मैंने लॉक करके रखे हैं, अगर मैं वापस सेकंड प्ले थ्रू करूंगा तो दूसरे बिल्ड बनाने के लिए, क्योंकि आप न्यू गेम प्लस में वेपन्स वगैरह कैरी ओवर करते हो तो वो एक अच्छी चीज़ है। ओ नाइस, बढ़िया सी गन मिली है, वो भी पर्पल। यप दैट्स नाइस। ओके क्लाउड एनिमी, आई थिंक बफ कर लेना चाहिए सामान वगैरह लगा के। इसका स्टैमिना गया, अरे मरा नहीं अभी तक, बट अब मर गया। ओके मुझे एग्जैक्टली डीवन का नाम नहीं है, समथिंग मेगात्सु वॉरियर ऐसा कुछ है, क्योंकि ये काइंड ऑफ सबसे मतलब बेसिक एनिमीज में सबसे लास्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो एनिमी बोल सकते हो। मतलब एक एक करके आते हैं ना, तो ये काफ़ी एंडेड लेवल के गेम प्ले में आया है। चार हाथ वाला जो ये मॉन्स्टर है थोड़ा सा टफ हो सकता है, कभी कभी आपको सीधे इसके कुछ कुछ अटैक्स ऐसे होते हैं आपकी पूरी लाइफ खा जाएंगे। मैं तो थोड़ा स्ट्रेंथ बिल्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा बीफी हूँ, बट अगर कोई नॉर्मल मैजिक बिल्ड वगैरह यूज़ करेंगे उन सबको एक ही बार में मार देगा ये। ओके वापस स्लाइम है, मैं एक्चुअली इस पे लॉक कर रहा था, स्लाइम पे लॉक हो गया। इसको बैक स्टैप करते हैं। किधर गया स्लाइम? अब स्लाइम किधर था? अरे तो नीचे रहे, तो ऊपर नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? नहीं लग रहा। इसको जला के मारे। ओह इसका डैमेज पड़ा मुझे, बट जल जल के मर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अरे ये क्या कर दिया मैंने, मैं गलती से वाटर पी लिया, हील करना था लेकिन वाटर पी लिया। मरा नहीं है वो, मैं उधर नीचे कूदना नहीं चाहता, उससे पहले देख लूँ कि और क्या क्या इधर। काफ़ी सारे एनिमीज दिख रहे हैं। ओके ये वाला दरवाज़ा। ओके यहाँ पे एक एनिमी दिख रही है, मूमियो दिख रही है, तो प्रॉबेबली वो आगे जाने का रास्ता है। उससे पहले बाकी चीज़ें देख लेते कि इधर क्या क्या हमने लूट वूट मिस किया होगा। और बंदे दिख रहे इधर, आखिरी बुलेट एंड गोलियां खत्म। एक बढ़िया चीज ये है कि गोली खत्म होगी तो हम बो एंड एरो पे स्विच कर सकते हैं। बट ओह शिट विंडोज की दब गया। ओके आई थिंक इट्स फाइन नाउ, या ठीक है। तो बस सीन ये है कि बो एंड एरो का डैमेज इतना ज्यादा नहीं होता जितना हमारे राइफल का होता है। तो एनिमीज मरते नहीं है नॉर्मली एक बार में, अनलेस आपने कुछ अच्छा खासा बो पे बफ ऑफ कर रखा हो। ये क्या खुला? ओके ये शॉर्टकट खुला उधर आगे से राइट में, हमारा श्राइन है या एंड यहाँ पे हमने कुडामा उठाया था दूसरा वाला, तो ये वो शॉर्टकट खुला। एरिया कंप्लीट नहीं किया एंड मेरी लूट भी बची है। मैंने एनिमी देखा था, मुझे ऐसा लग रहा है वो सारा स्लाइम वो रहा जो मरा नहीं, सोचा था कि मैंने उसे मार दिया। अच्छा ये रहा एक एनिमी। अबे तीन तीन, नहीं सरक 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 सरक। तीन तीन से नहीं लड़ना है मुझे, हाँ इससे लड़ेंगे। आजा ओके बढ़िया। बाकी दोनों किधर गए?
ये रहा एक हेडशॉट, इसकी लाइफ कम थी आई थिंक इसलिए मर गई एक बार में। इवन एनिमी से लड़ने का ये फायदा होता है कि हमें हील मिल जाते हैं उनको हराने का, कभी कभी थोड़ा सा ड्रॉप के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओह मिमिक चेस्ट, ओके अब ये क्या करने वाला है। सीटी सीटी ये रही। जल्दी लूट गिरा भाई, टाइम नहीं है इतना। बहुत टाइम पास करते हैं मिमिक्स। एक चीज अच्छा है ना कि अगर हमने सही सही कर दिया तो फिर हमें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको एक तरीके से आप ही के रिफ्लेक्शन से ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्टली उसके पास वेपन आर्मर सब कुछ सेम होता है हमारे जैसे। तो आई थिंक इधर सब कुछ हो गया है, वो रहा लूट। हाँ ये एक बचा हुआ है। किधर गया स्लाइड? ओ इसकी लाइफ फुल है। दो दो स्लाइम दे क्या? आई थिंक सो। अभी तो लाइफ फुल है इसकी, एक स्लाइम की तो काफी कम कर दी थी लाइफ मैंने। हाँ ये रहा दूसरा वाला। ओके नाइस, अब ऊपर चढ़ने का रास्ता ये। अब हमें बस वो वाला डोर खो देखना है जहाँ पे मूमिया खड़ी थी। एक डोर तो हमने शॉर्टकट भी खोल लिया है, तो अभी अगर बाई चांस अगर हम मरे भी तो इतना दिक्कत नहीं है, हम भाग भाग के आ सकते। ये रहा वो डोर। ओह दो दो एनिमीज है, सैंडविच नहीं होना है, पहले इनको मार के आते हैं। लॉल इसको पता भी नहीं चला कि इसका दोस्त मर गया, ये खड़े रह के मजे ले रहा है फ्लावर्स के जो ऊपर से गिर रहे हैं। साकुरा ट्री टू बी प्रिसाइज। लेट्स गो। बढ़िया। अब पता नहीं बहुत सारे स्पीयर वाली एनिमीज भरे हुए ये वाले इसमें, मतलब ह्यूमन एनिमीज में सबसे ज्यादा अनोइंग ये लगते हैं स्पीयर वाले एनिमीज। उनका रेंज बहुत ज्यादा होता है एंड डैमेज भी अच्छा खासा करते हैं। एंड जो मॉन्स्टर एनिमीज है उसमें सबसे ज्यादा वो टेंगूज, वो जो क्रो फेदर वाले एनिमीज होते हैं, उसके बाद स्नेक्स। यू डिड वेल टू मेक इट टू द माउंटेन अलाइव। अच्छा तो स्टार्टिंग एपिसोड के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि मूमी उधर ही रुक गई थी वो स्नेक्स एनिमीज से लड़ने के लिए, एंड हम दूसरे रास्ते से आए थे, तो अभी हम वापस मूमियों से मिल गए। ओके इस ये थोड़ा सा अलग एनिमी दिख रहा है, सबसे पहली बार देखा कि ऐसा कुछ। सोफा तो हम करते हैं पहले, ये मरा नहीं अभी तक, हम मर गया, अब जाके हील कर लो। तो ये भी एक एलाइट एनिमी था। गोली मार गोली मार, इसकी गोली डॉच करनी है बस, उसके बाद इसको हम हेडशॉट मार सकते हैं। यप ही इज डेड, उसको पहले ही मार देना चाहिए था बट ठीक है। तो काइंड ऑफ ये क्योंकि तोकीचिरो का कैसल है, इधर डीमन एनिमीज थोड़े कम दिख रहे हैं बट ये वाले एनिमीज ज्यादा दिख रहे हैं ह्यूमन एनिमीज। That said, oh ये क्या हो रहा है? I need more. My dream is now still out of reach. ये किसकी आवाज है पता नहीं, but दो सेकेंड के लिए पूरा ग्राउंड शेक किया था as if earthquake आया। बट क्योंकि तोकीचिरो के अंदर एक योकाई भी है तो I expect कि हमें योकाई enemies भी देखने को मिलेंगे, जैसे हमें मेगात्सु वॉरियर देखने को मिला था। ये काफी बढ़िया लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। अच्छा इसलिए जमीन हिल रही थी एक्चुअली, कुछ कुछ तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आया है ये। ओके
ये इधर क्या कर रही है? Look at the mountain. This was more than a merry party. Still, the blossom is so beautiful, but Tokijiro must be stopped. Okay. I want to share this with you. Oh, इसने luminite shard दिया. I think वो 20,000 का है something. That's nice. आगे बढ़ते हैं. ये जो area मतलब ये वाला mission जो है. What is the world is going on here? What matter of force could have make something this happen? मैंने एक्चुअली डायलॉग्स मिस कर दिए इन दोनों की. सीम्स यू मीन टू से दैट दीस थिंग्स इवन. अच्छा ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये बकरी और बिल्ली जो है ना आपस में बात कर रहे हैं. Be on your guard. Well, in any case, we don't know what lies ahead. Be on your guard. Okay. इन्होंने बोला कि आगे पता नहीं क्या है, गार्ड अपना उठा के रखो. हो सकता है बॉस फाइट कुछ हो, मे बी इसलिए बोला. बट बॉस फाइट होने का टाइम आया नहीं है, इतने जल्दी बॉस फाइट होता नहीं है. अच्छा मैं पहले ये बोल रहा था कि ये जो एरिया है ये मुझे काफ़ी सेकिरो में एक एरिया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो हम पास्ट में जाते हैं एग्जैक्टली नाम क्या था उसका, एक सेकेंड ना. हिराटा एस्टेट, या हिराटा एस्टेट करके था, तो थोड़ा सा उसी की याद दिला रहा है मुझे. ओह श्राइन, ओके नाइस. पहला सेव पॉइंट. टेक्निकली दूसरा श्राइन है, बट एक तो हमेशा गेम के स्टार्ट में ही होता है, तो उसके बाद वाला अगला श्राइन मिला. अरे मुझे हील्स और एरोस वगैरह खरीद लेने चाहिए, हमेशा भूल जाता हूं मैं. ओके तो जो आपकी इन्वेंट्री में सामान कम है ना वही आप खरीद सकते हो कोडामा बाजार से. जो आपके पास बहुत सारे पड़े वो आप नहीं खरीद सकते हो. तो वापस मैंने गन इक्विप कर ली अपनी. अरे गोजू की, ओके एक गोजू की है, एक नॉर्मल ह्यूमन, सामने एक एनिमी. ये पक्का नॉर्मल ह्यूमन नहीं होगा, ये वो वाला मॉन्स्टर होगा जो ट्रांसफॉर्म होता है. मैं बस देखना चाहता हूँ और क्या क्या है. इधर एक मॉन्स्टर है. ये मैंने जितना नोटिस किया ना नॉर्मल ह्यूमंस का भी ऐसे योकाइस के इतने पास में नहीं घूमते. इधर एक और है बंदा, आई थिंक हम उसे जाके मार सकते, उस पर एम अच्छा नहीं मिल रहा है. तो ये एक रास्ता है, गोजुकी के पीछे एक रास्ता है. कोई नहीं, हमारे पास अभी यहाँ पे पास में ये था ना सेव पॉइंट, तो इतना चिंता की बात नहीं है. बस इन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा. दोनों चिपक चिपक के चल रहे हैं पता नहीं क्यों. अब आई थिंक हम इनको पकड़ सकते हैं, इसको. या देखो मैंने बोला था, बढ़िया. अब मैं जाके अपना सामान लगाता हूँ एंड या यू कैन फाइट दिस मॉन्स्टर. किधर गया आ जा. Blade.
नाइस ट्रिपल प्ले ब्लेड। ओके तो ये अगर आपको याद हो तो गेम का सबसे पहला मिनी बॉस था, जब हम फर्स्ट मिशन में जस्ट विलेज में एंट्री करते तब मिला था। ओके तो ये एक जगह, आगे कुछ एनिमीज दिख रहा है, ये पक्का एलाइट एनिमी है, वो जो थोड़ी देर पहले हमें मिला था ना अजीब सा बंदा हेलमेट पहन के घूम रहा था, उसी की तरह दिख रहा है ये। उससे पहले मुझे लग रहा है ये साइड एरिया होगा या फिर ये आगे कनेक्ट होता होगा, तो ये एक बार एक्सप्लोर कर लेते जाके। मुमिया हमारे साथ ही आ रही है तो वो बढ़िया चीज है। अरे ये अच्छी बात है कि हमें साउंड क्यों मिल जाते हैं जब भी कोई एनिमी हमें स्पॉट कर लेता है, नहीं तो बहुत हार्ड होता। एंकीस तो जब गेम मैंने स्टार्ट किया नियो टू के स्टार्टिंग में, एंकीस मेरे वन ऑफ द मोस्ट हेटेड एनिमीज थे क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा कूदते थे, बट जैसे जैसे हमने खेला हमें उनके अटैक पैटर्न थोड़ा समझ में आ गया, उतना फर्क नहीं पड़ा, तो अभी उनसे उतना फर्क पड़ता नहीं है, बट पहले यार पहले बहुत सरदर्द काइंड ऑफ थे वो लोग। तो इधर ये अकेला तो नहीं होगा, आई थिंक अकेला है, अगर अकेला है तो बुलेट वेस्ट नहीं करता इस पे। इधर सीढ़ी है नीचे जाने की। एक्स यूज करने का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि भरी सामने वाले एनिमीज गार्ड क्यों ना कर रहे हो, मैं ह्यूमंस के लिए बात कर रहा हूँ, उनका स्टैमिना बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं क्योंकि हमारा अटैक बहुत हैवी होता है। ये इधर क्यों रुक गई? हेलो इसको चलना नहीं है क्या? ग्लिच हो गया लग रहा है इसका मॉडल। अब आ जा पीछे से सही सही, ये देखो हाँ आ गई ओके नाइस। जब हम समन कर सकते हैं अगर हमें हेल्प चाहिए तो, बट आई डोंट थिंक कि हमें फिलहाल जरूरत है। आई अज्यूम कि ये प्रॉबेबली उसी घर के अंदर या यहीं पे कहीं पे हम गोजुकी से लड़े थे वही घर के अंदर आए हैं। ये इसके बंदे को इधर पेल लिया उसको पता भी नहीं चला। आई कैन नॉट डाई हियर, आई मस्ट लीव एंड सर्व माय लॉर्ड एंड मास्टर, आई मस्ट लॉल भाई। ओह नाइस, मुमियो ने उसे खत्म कर दिया। हाँ तो इधर ही हम गोजुकी से लड़े थे, वहां से हमने वो रास्ता लिया। नाइस श्राइन भी मिल गया सेव करने के लिए, बढ़िया। ये एंडेंट लेवल लास्ट है ना गेम का, इसलिए काफी ज्यादा एमरेटा मिल रहा है। देखो मैंने जस्ट अभी 5 लाख का एक अपग्रेड किया था, अभी वापस 5 लाख का एक और अपग्रेड किया, तो काफी ज्यादा एमरेटा था। नाइस कैंपस और क्या इधर, एक बार एक्सप्लोर कर लूं, देख लेते कि कुछ छूटा वूटा तो नहीं है। यहाँ पे सीढ़ी है बट कुछ है नहीं है। ओके मे भी कुछ करना पड़े एंड वो जो ऊपर का वो नीचे आएगा, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं ये एरिया के फ्लोर्स है ना वो ऊपर नीचे हिल रहे हैं। ये रहा एक और कूड़ा हुआ, नाइस। बढ़िया यहाँ पे भी मुझे लग रहा कुछ आएगा, नीचे कुछ है क्या? नहीं। अच्छा ज्यादा कुड़ामस मिले नहीं है ये लेवल में, 3 ही मिले हैं नॉर्मली, इससे ज्यादा मिलते हैं आई थिंक, कुछ मिस किया हो सकता है। तो अगर आप कुड़ामस बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो ये चीज है, इसमें
जैसे अभी लाइव ड्रेन लिखा हुआ है ना, किसी किसी में एनिमी सेंसर, किसी किसी में कुडामा सेंसर आता है, तो वो आपको मिनी मैप पे दिख जाता है राइट हैंड साइड टॉप पे जो मिनी मैप, उधर की कुछ कुडामा या एनिमी, एनिमी है तो रेड कलर का आता है, कुडामा है तो ग्रीन कलर का आता है। वैसे इक्विप कर सकते हो, लेकिन मैंने फिलहाल तो नहीं कर रखा है क्योंकि हम गेम के एंड में तो इतना मैटर नहीं करता। आई थिंक ये आ क्यों नहीं रही। अच्छा ये मैं वही सोच रहा था कि ये किसको मार रही है, ये बस स्टोन्स तोड़ रही है, ये जो स्प्रिट स्टोन्स है। ओके इधर इतने सारे डेड बॉडीज क्यों है, लग रहा है इनमें से कोई उठेगा। आप एम करके देख सकते हो, आपको समझ जाएगा। ओके ये एक रहा, ये एक और रहा, एक दो एंड ये क्लाउड, इन तीनों के साथ एक साथ तो लड़ने वाला हूँ नहीं मैं। अबे यार इसने उठा दिया। यात्सुनो कामी हेल्प मी प्लीज। ओके भाई बच गए पूरे। एक कंपेनियन साथ में होने का फायदा ही है कि हम एनिमीज का हमारे ऊपर ध्यान नहीं रहता, नुकसान ही है कि वो लोग आपके प्लान पे पानी फेर सकते हैं। मेरा प्लान था इन सबको एक एक करके लड़ने का, मूमियों ने जाके तीनों को जगा दिया। ओके नेवर माइंड, उतना बुरा नहीं था, हमने हरा दिया उन्हें। वेट क्या हुआ, You go ahead, I will deal with the yokai down below. Okay. Take this with you. Oh, इसने भी हमें दिया, दो दो दिए, nice. Actually upgrade करने, ओह अच्छा ये 50,000 का है और हमारे पास 12 पड़े हैं. Oh shit. अगले बार जब shrine पे जाऊंगा ना तो upgrade कर लूंगा ये use करके. Each time a part of my dream comes true, something breaks, something shatters. The dreams of the stones have price. Who was it that said that? ये तोकीचिरो की वॉइस है कि या फिर ये जो पूरा माउंटेन ही अलाइव है इनकी वॉइस है, मुझे आइडिया नहीं है। बट ये बीच बीच में जो आवाज आ रही है पता नहीं क्या है। थिंक तो कोई साइड रास्ता है नहीं हमारे लिए लेने के लिए, सामने कुछ एनिमीज दिख रहे, उन्हीं से लड़ना पड़ेगा। दो तीन एनिमीज हैं, इन सबसे एक साथ तो नहीं लड़ने वाला है, इनको आने देते इधर। ये आ रहा है बंदा नीचे की तरफ। इसको हेडशॉट। अबे भाई बफ ऑफ करके आ रहा है ये ले। ओके नाइस। यू शैल नॉट रीच माय लॉर्ड। वो तो हम पहुंच के ही रहेंगे। ये लाइट लग रहा है, इसको मारते हैं। ओके ओह एलाइट नहीं है, एलाइट होता तो मरता नहीं एक बार में। लेकिन उससे पहले हम जिससे लड़े थे ना जो बाहर, वो एलाइट था। ओह एक और एलाइट एनिमी है। शिट भरे पड़े इधर, ये बराबर गार्ड भी करते अगर हम गोली मार रहे हैं। नहीं ये देख अभी पास नहीं आ रहा है, ये अब आएगा। ओ ओ भैया बुलेट वेस्ट करा दी मेरी। This cannot be my honor. I must. और करके ऐसे करके मर गया। पूरा बोल भी नहीं कह पाया क्या बोल रहा था। ओके तो मैंने जो मैं आपको दिखा सकता हूँ ये जो डीमन एबिलिटी अभी लगा के रखी है, एक सेकेंड।
यहाँ पे नहीं है, नहीं आई थिंक मुझे श्राइन भी जाना पड़ेगा दिखाने के लिए, बट अभी जो मैं स्नेक की एबिलिटी यूज़ कर रहा हूँ ये वही थर्ड बॉस है याद सुनो कामी, तो क्योंकि गोल्डन कैसल लेवल पे हम काफ़ी सारे बॉसेस के साथ वापस लड़े थे, पुराने वाले बॉसेस के साथ, वो लोग ऐसे मिनी बॉस वापस आए थे, तो उनका हाई लेवल सोल कोर मिला मुझे जो मेरे अभी के लेवल को मैच करता है, तो मैंने वो वापस याद सुनो कामी का सोल कोर लगा लिया जो मेरा फेवरेट था। उससे पहले हम काशा का सोल कोर यूज़ कर रहे थे जो काइंड ऑफ ब्लेबलेट टाइप का था। अभी कुछ नहीं है, ओके इनको तोड़ने से थोड़ा बहुत एमरेटा मिलता है हमें, दैट्स नाइस। मैं कुछ मिस नहीं किया ना, चेस्ट वेस्ट होते हैं कभी ध्यान नहीं रहता है, छोटे से होते साइड में लगा के। ये मैंने खोला था कि पहले से खुला हुआ था आई थिंक। मूर्ति लगा के रखी है बुद्धा की, एक तो बुद्धा है साइड वाले पता नहीं क्या क्या है, एक दो तीन ओके, तो बीच वाला बुद्धा है, ये दोनों सेम ही लग रहे हैं, गार्ड्स होंगे उसके में भी। हम आगे बढ़ते यहां से कैंपस। बिल्ली की आवाज आ जाती है दूर से, इसको तोड़ सकते हैं क्या? नहीं। दो एनिमीज, कोई नहीं वो मर गया। तो ये जो है, ये जो फ्लोटिंग हेड मॉन्स्टर्स टाइप का है, मतलब ह्यूमंस के ऊपर स्नेक हेड लगा हुआ होता है, उनको अगर हम करेक्ट हेडशॉट मारे तो एक डेथ ब्लो ले सकते हैं उन पे, एंड काइंड ऑफ वो फिर मर ही जाते हैं उसमें। ओ भैया तो मेरी गोलियां वेस्ट कराने वाला। उठा, कोने वोने से ध्यान रखना पड़ता है, हम नीचे गिर सकते हैं। ये हो गया डार्क सोल्स हो गया, अगर ग्रेविटी ने आपको मारा नहीं ना एक दो बार तो भी, तो आपने ये गेम पूरा खेला नहीं है फिर ठीक से। दो तीन बार तो मैं मरा ही हो गिर के कहीं ना कहीं पे, लूट उठाने के चक्कर में या फिर एनिमी से लड़ने के चक्कर। ओए 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 ये कहां से आया? ऊपर लटका हुआ था ये झाड़ पे, आई थिंक सो। भरे पड़े ये एनिमीज इधर, इसको मार के आना पड़ेगा, मैं लूट नहीं उठा पाऊंगा। अब कौन चला रहा है गोली? ओह शिट, ओके आई थिंक क्लियर हो गया एरिया फाइनली। ओह शिट, सामने क्लाउड भी है। पहले इसका लूट उठा लेते, किधर गया? इधर था क्या खड़ा? हाँ ये रहा। यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं उधर, ओके। तो क्लाउड में कौन सा एनिमी है पता नहीं, चलते लड़ने से। एक्चुअली आप सुनो कामी ने उसका हॉर्न नहीं तोड़ दिया जो उसके सर पे लगा हुआ था, इस वजह से उसका स्टैमिना खत्म हो गया, हम सीधा नीचे ही गिर गया। ओके बढ़िया, ये किधर जाता है? ये हम जाके आए हुए रास्ता है क्या?
हाँ नहीं नहीं ये अलग है। तीन गोली बची है बस। ये रास्ता किधर जा रहा है एक्चुअली? ओ एक स्लाइम भी है, शिट। वो भी ह्यूमन नहीं है इतना तो मैं श्योर हूँ। ओके बढ़िया। कैनन से मारते इसको। ओके बड़ी नाइस। नहीं नीचे मत गिरना, नीचे मत गिरना। ओके इधर क्या है, हम क्यों आए इधर? कुछ नहीं है क्या? आई थॉट लूट या कुछ होगा जो मिस किया था। कोडामा में भी कुछ भी नहीं है क्या इधर? एक बार डबल चेक कर लो। नहीं खाई है। एटलीस्ट नीचे आए तो ये क्रिस्टल तोड़ के अमृता तो ले लेता है। सो आई थिंक यही आगे जाने का एक रास्ता बचा आखिरी। यहां से हम आए थे लॉल। ओके तो आगे किधर जाना है? ये रहा ये रहा। ओह मैंने मिस कर दिया टोटली ये। आह डार्क रेल्म। डार्क रेल बना कौन रहा है? बट सवाल ये है ये देखो उसका डैमेज देखो। अच्छा यासुनो कामी ने इसको मार दिया। बढ़िया तो ये जो ये डार्क रेल बना रहा था एंड ये एरिया वापस हिलने लग गया। सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है वापस। Will you to leave me behind, Didi? ओके तो डेफिनेटली जो बैकग्राउंड में बीच बीच में डायलॉग्स आ रहे हैं ना ये उसकी आवाज है। तोकीचिरो की आवाज है। सो आई थिंक कि मे बी जो तोकीचिरो बुरा नहीं बना है लेकिन जो डीमन उसे पोजेस करके बैठा है वो ये सब काम करवा रहा है। क्योंकि अभी आपने क्लियरली देखा कि नीचे डायलॉग में लिखा हुआ था विल यू ऑल्सो लीव मी बिहाइंड हीडी करके। चांसेस है लेकिन वो पता नहीं अभी क्या होगा वैसे। किधर आए हम? ओ श्राइन, ये वही श्राइन है पहले वाला? यप। अच्छा तो हम वापस घूम के वही श्राइन पे आ गए। लेकिन अगर आपको याद होगा तो पहले यहाँ पे कुछ नहीं था ये जो रास्ते पे ना। लेकिन अभी हमने क्योंकि कुछ जाके वो क्रिस्टल तोड़ा तो उस वजह से हमारा रास्ता खुल गया आगे जाने का। तो एपिसोड इधर रैपअप करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ से आगे बढ़ते सामने से सेव कर लेता हूँ जल्दी से। हमें एक और अपग्रेड मिल गया, दैट्स नाइस। सो थोड़ा सा काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग लेवल था क्योंकि हम घूम फिर के 360 मार के उधर ही पहुंचे जहाँ पे हम श्राइन सेकंड श्राइन से स्टार्ट किया था। सेकंड वाला श्राइन, सेकंड नहीं आई थिंक थर्ड श्राइन है। अब थर्ड श्राइन पे वापस पहुंचे घूम के। तो पहले ये वाला जगह था नहीं लेकिन अभी ये जगह वापस आ गई है। वापस नहीं मतलब ऊपर की तरफ आ गई है। आई थिंक ये ऊपर या नीचे की तरफ था। तो ये माउंटेन्स जो है ना ये शिफ्ट हो रहे हैं टेक्टोनिक्स। सो यहाँ से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। नियो 2 ज़्यादा बचा नहीं है तो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ये कुछ आखिरी के कुछ एपिसोड्स 4-5 एपिसोड्स बचे हैं। सो ज़रूर बने रहिए सीरीज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।